अगली खबर में बात करते हैं सीहोर के नसरुल्लागंज क्षेत्र की, जहां लाडकुई में ग्रामीणों द्वारा प्रशासन की अव्यवस्थाओं को लेकर आरोप लगाया गया है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन द्वारा प्रतिमा विसर्जन स्थान पर कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। वहीं जानकारी के अनुसार भक्तजन मां की प्रतिमा लेकर सीप नदी रफीकगंज पहुंचे तो वहां प्रशासन द्वारा कोई भी व्यवस्था नहीं किए जाने के आरोप लगाए गए हैं। विसर्जन के दौरान ग्रामीणों द्वारा यह आरोप लगाया गया है। वहीं यह भी कहा गया कि नदी पर जाने वाले मार्ग पर अतिक्रमण होने से रास्ता बंद हो गया। वहीं रात्रि के समय प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था नहीं करने से विसर्जन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। देखा जाए तो त्योहारों को लेकर लोगों में उत्साह, उमंग और जोश, इन सब को देखते हुए प्रशासन की अव्यवस्थाएं कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दे सकती हैं। ऐसे में ग्रामीणों द्वारा लगाए गए आरोप कहां तक सही है, प्रशासन की इस लचर से हादसे की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ग्राम लाड़कुई का रहने वाला हूँ। हमने माँ दुर्गा जी और महादेव की मूर्ति को लेके विसर्जन के लिए लोदड़ी घाट आए थे, जहाँ शासन प्रशासन के द्वारा ना तो कोई रास्ते की व्यवस्था की गई थी, ना कोई विसर्जन का इंतजाम था। वह मुश्किल से इधर उधर से तार फेंसिंग निकाल के खेतों के माध्यम से घाट तक आए। यहाँ पे हमें विसर्जन करने में बहुत असुविधा हुई। शासन की तरफ से कोई भी व्यवस्था नहीं की गई थी, ना तो लाइट की व्यवस्था थी, ना रही रास्ते की व्यवस्था थी। विसर्जन के लिए हम आए थे, ना तो प्रशासन ने कोई रास्ता की व्यवस्था करी। अब हमारी ट्राली भी दो जगह पलटती गिरते हुए मूर्ति गिरते हुए बच गई। इसमें लाइट भी नहीं, और इसमें दब जाता किसी का नुकसान हो जाता भी। प्रशासन को करवाना चाहिए रास्ता, सीमेंटेड रोड करवाना चाहिए। रास्ता कब से कर रहा है? अभी हम खेतों में से निकल के गए, बड़ी मुश्किल से रात हो गई थी। तो हम ये रास्ता बनाई जाए विसर्जन के लिए।